ये 10 नंबर बोर्ड है यहाँ पे जो मैंने निकाला है। अच्छा, इंजन वेल कभी भी चेंज करना हो ना, अच्छा पुराना वाला निकालना है तो ये खोलना है, इंजन का हमारा तला है। अच्छा। यहाँ से पुराना सारा बाहर आ जाएगा, दोबारा ये नेट लगा के दोबारा यहाँ से डाल दो। अच्छा। 750-800 ml आएगा इसमें। अच्छा अच्छा। अब पल्ली साइड भी ऐसा ही बोर्ड सेम। अच्छा। साइड भी है। अच्छा अच्छा। अब गियर वेल आपका डलेगा यहाँ से, निकलेगा कहाँ से, यहाँ होता है 14 नंबर का बोर्ड, अभी दिखाएंगे आपको। 14 नंबर का बोर्ड है यहाँ पे। अच्छा, ये खोलना होता है, वहाँ से निकलेगा पुराना बाहर। अच्छा, ये क्या निकल रहा है, इंजन ऑयल? ये इंजन ऑयल है। अच्छा, और यहाँ पे मुंह पे देखना चाहिए इंजन ऑयल हमारा, तब हमारा फिट है। ठीक है, और अगर हम नीचे देखेंगे ना, नीचे तला तो दिखेगा वो, लेकिन जब हमारी करेंक शाफ्ट घूमेगी ना तो क्या होगा कि जो हमारी करेंक ऊपर तक ऑयल नहीं पहुँचाता है, वो ऊपर तक ऊपर वो सूखा चलता है, और तब क्या होता है कि ब्लॉक फटने का या कनेक्टिव रोड टूटने का डर होता है। और इंजन ऑयल प्रॉपर है तो सॉफ्ट घूमती है, वो चिकनाहट रहती है ना उसमें, और नहीं तो सूखी घूमते हैं। ये पावर टिलर के समय सर्विस की जा रही है, और ये पावर टिलर का जो है इंजन ऑयल और गियर ऑयल इसमें चेंज किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा है कि हमने जो इसकी कई सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है इस चैनल पर, तो ये पावर टिलर वैसे जो है हमारे पहाड़ों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। परंतु ये है कि भाई जी बोल रहे हैं कि इनकी सर्विस करनी जो है बहुत ज़रूरी है, समय समय पर इन पर तेल बदलना पड़ता है, तो इसी की तेल बदलाई हम आज करवा रहे हैं इस पर। तो भाई जी इसके एक्सपर्ट हैं, भाई जी का शुभ नाम संदीप जी हैं, और आप कब से भाई जी इस पे लगे हैं, इन पर इस कंपनी में? देखो यहाँ पे तो मेरे को अभी 2 साल हुए हैं। जी जी जी। इससे पहले मैंने हीरो मोटोकॉर्प में जॉब किया है 18 साल। जी 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 जी। दिल्ली में। जी। अभी 2 साल हुए मेरे को यहाँ पे। ठीक है भाई जी। तो यहाँ पर तो ये कम से कम जो है मेरे ख्याल से 50-100 के करीब हैं ये मिनट, ये पावर टिलर इस गांव में। ये पूरा जो पहले चला था, तो हमने जब पहले चला तो उसी समय हमने जो है लाया था, उस समय बहुत मार पड़ी थी, भीड़ भाड़ पड़ी थी बहुत ज़्यादा। ये मिनट लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है गियर वेल अभी है, ठीक है अभी ठीक है, ख़राब नहीं है वो। अच्छा, फालतू क्यों फेंकना उसको, मैंने देख लो वैसे ना, मैंने देख लिया उसको। 2 लीटर लगेगा इंजन ऑयल, 1 लीटर है कपड़ा, क्योंकि वो यहीं से चेक होना था, ऊपर से मैंने गेज डाला उसमें ना, तो गेज वो टच नहीं हो रहा, मैंने तो ऊपर से ही चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, ऊपर कम है उसमें, वहाँ तक पहुँच। Thank you.